माँ आप आओ ना, बैठो यहाँ पे। ये मोनिशा यहाँ क्यों है खुशी? मतलब? मतलब यही, उसका अपना घर होगा, वो यहाँ क्यों रह रही है? यहाँ रहने का क्या मतलब है? वो तो यहाँ ऐसे ही है। मुझे भी ऐसा ही लगता था। दूसरी लड़की का आसपास होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ को सब कैसे पता चल जाता है? और एकदम सही पता चलता है। ये ले पानी, इतना खास वास मत, बीमार पड़ जाएगी। अरे अभी तो हनीमून पे भी जाना है। पूर्वी, सही कहते हैं लोग कि औरतों का सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि हम चीजें महसूस करते हैं, हमें वाइब फील होती है, हमें दिखता है, हम सोचते हैं। आई एम सॉरी पर ये जो मोनिशा है ना, मुझे उसकी वाइब कुछ ठीक नहीं लगी, पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं। माँ ऐसा कुछ नहीं है, सच में आप इतना क्यों सोच रहे हो? तो बस ऐसे ही है यहाँ पे। ऐसी सच्ची? हाँ मतलब ऐसा नहीं है जैसा आप सोच। मैं क्या सोच रही हूँ? मैंने कुछ नहीं बोला। तुझे क्या लगता है क्या सोच रही हूँ मैं? हाँ मतलब ये कि वो यहाँ है, फैमिली में, इस घर में है, तो शायद मेरी इम्पोर्टेंस, मेरी जगह वो शेयर करेगी। हाँ ऐसा कुछ नहीं है सच में। तू ना बहुत भोली है, तेरा दिल अच्छा है ना, तुझे लगता है सब अच्छे हैं, सब ऐसे ही है। नहीं अच्छी बात है ऐसा सोचना, पर कभी कभी चीजें सामने होती है, तू देखना ही नहीं चाहती। तू देखती भी है पर तुझे समझ नहीं आती। सर हाँ केकी सर का कॉल है, बहुत दिनों बाद कॉल करे, मैं उठा बात कर ली। मुझे नहीं बात करनी आपसे। बिल्कुल मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। हमें कोई बात है ना? मैंने तुम्हें फोन किया, ना मैंने तुमसे तुम्हारे हाल चाल पूछे, और स्पेशली उस लड़की से नहीं पूछे जिसे मैं अपनी बेटी मानता हूँ। अच्छा जी, जो मैं कहने वाली थी वही आप कह रहे हो। हाँ अब तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो कम से कम मुझे तो करनी पड़ेगी ना। इससे पहले तुम मुझे डांटो, कुछ बोलो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया, मैंने तुम्हारे हाल चाल नहीं पूछा, सॉरी। इट्स ओके, लेकिन हाँ आज के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कैसी हो? नया घर कैसा है? नए लोग कैसे हैं? ससुराल कैसा है? तुम्हारे साथ सब अच्छे हैं ना? मेरे साथ सब अच्छे हैं, स्पेशली मेरे साथ तो बहुत ही अच्छे हैं। भगवान का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम खुश हो। बस ऐसे ही खुश रहना, मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जहाँ रहती हो वहाँ पे भी सुख मिलेगा और तुम्हें अपने हम सफर के साथ भी सुख मिलेगा। तुम खुश हो ना? खुश? हाँ बहुत खुश हूँ मैं। अगर रणधीर होता तो पूर्वी से ऐसे ही बात करता, पिता होने के नाते पता करता अपनी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं है, सब ठीक है या नहीं। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुश रहो, और कोई चीज मेरे लिए सच बताऊं तो मैटर नहीं करती। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारी खुशी को कोई थोड़ा सा भी कम करे ना तो मुझे बता सकते हो। कोई ऐसा इंसान है जिसकी कंप्लेंट तुम्हें मुझसे करनी है तो तुम मुझसे कर सकते हो, मैं उसको सीधा कर दूंगा। और स्पेशली अगर आरवी के बारे में कोई कंप्लेंट करनी है तो टेल मी, मैं उसको भी सीधा कर सकता हूँ। नहीं कोई शिकायत नहीं मुझे, सब बहुत अच्छा है। पक्का किसी को सीधा नहीं करना है ना? नहीं किसी को सीधा नहीं करना। वैसे जो तुम हनीमून पर जा रही हो, तुम्हें वो जगह पसंद है या फिर मैं कुछ बदलाव करूँ उसमें? तुम चाहती हो मैं किसी और डेस्टिनेशन पे तुम्हें भेज दूँ? एक मिनट, आपको कैसे पता मैं हनीमून पर जा रही हूँ? कहा था ना सिर्फ बेटी बोलता नहीं हूँ, बेटी मानता भी हूँ। नहीं सब ठीक है, मैं खुश हूँ, कुछ चेंज नहीं करवाना, मुझे जगह भी बहुत पसंद है। मतलब मैं तो ना बहुत इंजॉय करने वाली हूँ, और वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत केयर कर रहा है मेरी। इनफैक्ट वहाँ इतनी ठंड है तो मुझे कह रहा था सर्दी के कपड़े रख लेना, ये रख लेना, वो रख लेना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम दोनों। अगर ऐसा है तो आरवी ने मीटिंग उसके साथ रखने की शर्त क्यों कही है? वैसे आप कभी आना ना यहाँ पर घर पे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा, तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ मैं। तुम अपना ख्याल रखो ठीक है, और खुश रहना। जिस चीज से तुम्हें खुशी मिले वो सब करना। तुम आरवी के साथ हनीमून पे जाओ एंड जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, और आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी खुशियों को कभी कम नहीं होने दूंगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। सी यू, बाय, टेक केयर।